Hello, my name is Ankit. I am from Chamansa Saraswati Vidya Mandir Banka. My topic is future transport and communication. We all of that discuss about water soaking road. तो ये water soaking road है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होता है तो प्रेजेंट रोड जो हम लोग देखते हैं उस पर बारिश का पानी जमा होकर क्रैक्स ला देते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट का इशू भी बढ़ता है और ये एक्सीडेंट का इशू भी बढ़ता है और उसके बगल में पानी भी जमा हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा रोड है जो पानी गिरेगा तो वो रोड एब्जॉर्ब करेगा, तो जब ये रोड एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके साइड में पानी जमा नहीं होगा, तो जिससे कि बीमारी भी नहीं होगा। और इसके अंदर जब पानी जाएगा तो ये वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करेगा। और जब हॉट डेज में इसमें इस रोड में वाटर ड्रॉपलेट्स जब इसके प्रेजेंट रहेंगे तो हॉट डेज में या वाटर ये ड्रॉपलेट्स इवोपरेट होकर एटमोसफेयर का टेम्परेचर भी कम करेगा। और इसके नीचे ड्रेन सिस्टम बने रहेंगे, जिससे कि वो ड्रेन सिस्टम इधर इस नाली एक से कनेक्टेड रहेंगे, जिससे कि कई पाइप्स कनेक्टेड रहेंगे उस और उस ड्रेन सिस्टम से इस पाइप्स में पानी जाएंगे। तो पानी जाने के बाद इन पाइप से हम उस पानी को कहीं दूर लो लाइंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, फिर हम लोग इसको फायर फाइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कहीं स्विमिंग पूल में भी डाल सकते हैं। तो इस रोड के 5 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर होता है कंक्रीट पेवर, तो ये इसका मेन लेयर होता है जो कि परमेबल सब्सटेंस होता है, इसी से पानी इजीली पास होता है। और इसके बाद होता है जियो टेक्सटाइल बेडिंग कोर्स, ये फिल्ट्रेटिंग लेयर है। इसके बाद होता है फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट, फिर सब ग्रेड। ये तीनों मेन करेंट प्रेजेंट के रोड में यूज होते हैं, जो कि हैवी ट्रैफिक को सहने के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास लाइफ वायर। तो लाइट फाइल, इसका फुल फॉर्म है लाइट फाइडिलिटी, तो इससे हम लोग को लाइट फाइडिलिटी से बोलने से कुछ पता नहीं चलता। तो लाइट फाइडिलिटी का सबसे पहले इन्वेंशन एक साइंटिस्ट हराल्ड हास ने किया था, जो कि 2011 में उन्होंने पब्लिक के सामने रखा था। तो हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इस एंड्रॉयड फ़ोन को हम इससे कनेक्ट करके एक स्पीकर को बजाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जो कि वो हैक भी हो सकता है। तो वाईफाई जो है ये एकदम सिक्योर रहता है, वो वाईफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ही मतलब कि स्पीड देता है। तो आइए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने इस वाईफाई से इस एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक एलईडी बल्ब है। तो वाईफाई जो है सिर्फ एलईडी बल्ब पे ही यूज़ होता है। तो इस हम एंड्रॉयड फोन को कनेक्ट कर चुके हैं, तो अब इससे हम एक सॉन्ग प्ले करना है। तो जैसे कि हम लोग के एक सॉन्ग प्ले करने वाले हैं, तो देखिए आप ये स्पीकर बज सकता है, देख सकते हैं आप लाइट के रेडिएशन से ये स्पीकर बज रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लाइट का कनेक्शन काटते हैं तो ये स्पीकर बंद हो चुका है। तो जैसे कि लाइट का कनेक्शन फिर ऑन करते हैं तो ये ऑन हो चुका है। तो लाइफ बहुत ही सिक्योर है और ये एक सिंपल रेंज में चलता है, जिसके कि आपके अलावा उसके स्ट्रेट पथ में रह के आप फिर उसको कोई और आपके अलावा यूज़ नहीं कर सकता। आपका दोस्त अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको उसी पॉइंट पर आकर आपको यूज़ करना पड़ेगा उस लाइफ को। तो अब इसके बाद है हमारे पास लाइफ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ये एक ऐसा स्ट्रीट लाइट है जो कि डे एंड लाइट में डे में ऑन मतलब ऑफ होगा और नाइट में ऑन होगा। तो ये होगा कैसे? तो ये होगा डे एंड लाइट सेंसर से। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि अभी यहाँ पे ये लाइट है तो ये ऑन नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेंसर है तो हम इसको ढकते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जैसे कि हटाते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो आज का हमारा यही था टॉपिक, तो इसे बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। थैंक यू।